उसमें आपको लगभग 28 क्वेश्चंस एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि टोटली कंट्रोलर्स चैप्टर है जो आपका लास्ट नीट है, और स्टेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड होंगे। तो इसको हम अपना गौर से देखें, हर एक क्वेश्चंस को, जो भी आपके इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो उसमें डाले गए हैं इस लेक्चर में। तो आप उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वन बाई वन, और आप लोग अपना अपना फटाफट, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप उसका आंसर फटाफट टाइप करके भेजें, और उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा करेक्ट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआई कंट्रोलर, मींस पीआई कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका केपी प्लस एआईएस, बी ऑप्शन है केपी प्लस केआई अपॉन एस, सी ऑप्शन है आपका केपी अपॉन एस प्लस केआईएस, एंड डी ऑप्शन है आपका केपीएस प्लस केआई बाय एस। पीआई कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपर चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए। पी आई मीन्स पी का, देखो पी आई क्या हुआ कि आपका प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल, तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का आपका क्या ट्रांसफर फंक्शन होगा। बहुत इजी है, बहुत, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ढंग से उसमें सुना होगा कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, उसका होता है के पी, और जो इंटीग्रल होता है उसका होता है के आई बाई एस। निहारिका आपने राइट आंसर किया है, तो क्या जो इंटीग्रल होता है उसका होता है के आई बाई एस, तो जो पी आई होगा उसका हो जाएगा के पी प्लस के आई बाई एस। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो बी ऑप्शन है इसमें द करेक्ट ऑप्शन है, आपका आंसर लिख लीजिए के पी प्लस के आई बाई एस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज के पी प्लस के आई बाई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, गलत सही जो भी आपको लग रहा है उसको आप आंसर कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन नीडेड टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, मीन सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्या करना होगा हमें। नंबर ए ऑप्शन है, पहले नेगेटिव फीडबैक दें, फिर रिड्यूस, उससे रिड्यूस गेन होगा, एंड इंसर्ट डेविएशन, उसके बाद डेरिवेशन एक्सटर्न, मीन्स डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन जो कंट्रोलर है उसको इंसर्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, पहले रिड्यूस गेन करेंगे, फिर डेरिवेशन इंसर्ट करेंगे, और फिर बाद में नेगेटिव फीडबैक इंसर्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, रिड्यूस गेन, यूज नेगेटिव फीडबैक, एंड इंसर्ट डेरिवेशन एक्शन। डी ऑप्शन इज इंसर्ट डेरिवेशन एक्शन, यूज नेगेटिव फीडबैक एंड रिड्यूस गेन। इन चारों में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो आप लोग अपना व्यू दीजिए इसमें। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है सिस्टम की वो नेगेटिव फीडबैक में अच्छी होती है, और नेगेटिव फीडबैक में ज्यादा सिस्टम स्टेबल होता है, और नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से ही सिस्टम का गेन रिड्यूस जाता है, और सिस्टम का गेन रिड्यूस होने से, और उसमें अगर डेरिवेटिव एक्शन, डेरिवेटिव अगर कंट्रोलर डालते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सिस्टम की ओर इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुई हमारी, कि हम पहले नेगेटिव फीडबैक देंगे, उसके बाद गेन रिड्यूस जाएगा, और उसके बाद हम इसमें इंसर्ट डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन जो डेरिवेशन कंट्रोल है उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो दिस इज द ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका वो होगा पहले नेगेटिव फीडबैक, उसके बाद रिड्यूस गेन, एंड देन इंसर्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन मीन्स जो कंट्रोलर है आपका, डेरिवेशन कंट्रोलर, उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर करेंगे। किसी भी कंट्रोलर का इनपुट क्या होगा, किसी भी कंट्रोलर का इनपुट क्या होगा, व्हाट इज द इनपुट ऑफ कंट्रोलर। एक सेंस्ड सिग्नल होगा, बी एक एरर सिग्नल होगा, सी एक डिजायर्ड वेरिएबल वैल्यू होगा, डी सिग्नल ऑफ द फिक्स्ड एम्पलीट्यूड नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड वेरिएबल वैल्यू। तो सही ऑप्शन बताओ प्रॉपर से क्या होगा, कि जो कंट्रोलर होता है, आपको जब डायग्राम दिखाया गया था, जब कंट्रोलर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो कंट्रोलर जो लगा होता है किसी भी सिस्टम में, तो उसके इनपुट में क्या होता है, इनपुट में क्या रहता है उसके, क्या आती है इनपुट में, प्रॉपर लिखो आप लोग चैट बॉक्स में। जब आपका कंट्रोलर लगाते हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसका जो इनपुट होता है वो इससे आता है ना, यहाँ से जो आपका फीडबैक लेके आते हैं, ठीक है ना। तो जो हमें सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वही सिग्नल आपका कंट्रोलर का इनपुट होगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्या आता है, दैट इज एरर। तो यहाँ पे क्या आती है, एरर। तो एरर सिग्नल इज द इनपुट फॉर द कंट्रोलर। तो किसी भी कंट्रोलर का जो इनपुट होगा दैट विल बी एरर सिग्नल। ओके, तो एरर सिग्नल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये, तो काफी चांसेस आने के। एडिशन ऑफ जीरो एट ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन पे जीरो डाल दे, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दे, मान ले कोई भी सिस्टम है जीरो और पोल आप जानते हो,
तो अगर किसी भी सिस्टम में हम एक जीरो इंसर्ट कर दें ओरिजिन पर, ओरिजिन जो होता है, जो भी आपका एक्सिस होती है इमेजिनरी रियल एक्सिस जो एस प्लेन होता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम एक जीरो इंसर्ट कर दें ओरिजिन पर, तो उससे क्या होगा? ए ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांजिएंट रिस्पांस, बी ऑप्शन है रिडक्शन इन द स्टेडी स्टेट एरर, सी ऑप्शन है रिडक्शन इज सेटलिंग टाइम, रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम, एंड डी ऑप्शन इज इंक्रीज इन डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का वो इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो ऐड करने पर किसी भी सिस्टम में अगर एक जीरो हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें ओरिजिन पर, तो उससे क्या होगा कि उस सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म रिसेट कंट्रोल रेफर्स टू, तो रिसेट कंट्रोल टर्म्स होती है वो किससे बिलोंग्स करती है, किस पे डिपेंड करती है? द टर्म रिसेट कंट्रोल रेफर्स टू, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो रिसेट कंट्रोल टर्म्स होती है, जो रिसेट कंट्रोल होता है उसको उसको इस टर्म को यूज करते हैं बार बार इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए, ठीक है ना। तो इंटीग्रल कंट्रोलर की जो में जो टर्म यूज होती है बार बार, दैट इज रिसेट कंट्रोल, ठीक है ना। द टर्म रिसेट कंट्रोल रेफर्स टू द इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर इज, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग आंसर करेंगे कि पीआईडी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो पी का क्या होता है केपी, आई का क्या होता है के आई बाई एस, और डी का क्या होता है के डी एस। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा के पी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी एस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी या डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे के पी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी इंटू एस, ठीक है। तो तीन ये आप एक बार रीड आउट जो भी लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था उसको देख द्वारा रिवाइज कर लेना एक बार। तो जो करेक्ट आंसर जो पीआईडी कंट्रोलर होता है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है के पी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी एस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी एक का, तो उसको आप अच्छे से समझ ले तो काफी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में आने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है, इंटीग्रल जो कंट्रोलर होता है वो करता क्या है? स्टेडी स्टेट एरर को बढ़ा देता है, बी ऑप्शन डिक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर को घटा देता है, इंक्रीज द नॉइज एंड स्टेबिलिटी, जो नॉइज और स्टेबिलिटी सिस्टम को उसको बढ़ा देता है, डी ऑप्शन इज डिक्रीज द डैम्पिंग कोफिशियंट, डैम्पिंग कोफिशियंट जो जीटा होता है उसको घटा देता है। तो करेक्ट आंसर इज ये एक्चुअली क्या होता है, जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है आप लोगों ने अभी देखा था, इंटीग्रल जो कंट्रोलर जो होता है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है के आई बाई एस, ठीक है ना, के आई बाई एस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो सिस्टम का गेन होगा उसमें एक पोल बढ़ा देगा जीरो ओरिजिन पर। तो सिस्टम ओरिजिन पर पोल बढ़ने से क्या होगा कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो भी घट जाती है और साथ में स्टेडी स्टेट एरर भी घट जा रही है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अगर आप नेट पर सर्च मारोगे तो काफी बुक्स में काफी जगह पे ये ऑप्शन दे रखा है, पर जो करेक्ट आंसर इसका इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ये क्या करता है स्टेडी स्टेट एरर को घटा देता है। तो इंटीग्रल कंट्रोलर डिक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर, तो इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है जो स्टेडी स्टेट एरर होती है उसको घटा देता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हुआ आपका बी हुआ। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको देख इसको देखो, पीआईडी कंट्रोलर इज आल्सो नोन एज, पीआईडी कंट्रोलर को हम ये भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है पीआईडी कंट्रोलर का? नंबर ए टू टर्म कंट्रोलर, नंबर बी थ्री टर्म कंट्रोलर, नंबर सी फोर टर्म कंट्रोलर, डी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है इसका। पी आई डी मीन्स इसमें तीन कंट्रोलर है, तो तीन टर्म्स के अंदर तीन टर्म्स हैं, एक तो पी एक आई एक डी, तो इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम इसका नाम है पी आई डी कंट्रोलर का पी थ्री टर्म कंट्रोलर, क्योंकि जो बाकी कंट्रोलर होते हैं जैसे पी है आई है या डी है पी डी या पी आई है, तो वो वन या टू टर्म्स के कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन जो पी आई डी है वो थ्री टर्म कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पी डी कंट्रोलर कितने टर्म्स का कंट्रोलर होता है, तो पी डी कंट्रोलर में कितने हो जाएंगे, पी एंड डी दो हो जाएंगे, तो
पीडी कंट्रोलर टू टर्म्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जो पीआईडी कंट्रोलर होता है वो थ्री टर्म कंट्रोलर है, ठीक है। तो दूसरा नाम जो पीआईडी कंट्रोलर का होता है वो क्या होता है, थ्री टर्म कंट्रोलर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल एक्शन इज इंप्लॉयड व्हेन, जब प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल जो कंट्रोलर होता है पीआई, या फिर दोनों को एक साथ लगाते हैं, पीआई कंट्रोलर को जब लगाते हैं तो कब लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हो, सिस्टम चेंजेस इन स्मॉल, जो सिस्टम में थोड़ा सा बहुत कम बदलाव आ रहा हो, ऑफसेट मस्ट बी एलिमिनेटेड, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका, और नो ऑब्जेक्शन ऑन द रिकवरी ड्यूरेशन, डी ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों केस हैं, इन तीनों केस में ही हम पीआई कंट्रोलर की नीड होती है। तो इसका राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज होता तब भी, एंड ऑफसेट मस्ट बी, इसमें ऑफसेट मस्ट बी एलिमिनेटेड इस केस, इन द केस ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर, एंड नो ऑब्जेक्शन ऑन द रिकवरी ड्यूरेशन, जो रिकवरी ड्यूरेशन होती है उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये जब पीआई कंट्रोल की यहाँ पे नीड होती है, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पीडी कंट्रोलर कब नीड होती है, पीडी कंट्रोल इज इंप्लॉयड व्हेन, पीडी कंट्रोलर कब लगाते हैं, व्हेन द सिस्टम चेंजेस आर स्मॉल, ओके ये भी होता है, इंप्रूव द रिकवरी टाइम, जब रिकवरी टाइम बढ़ा देता है ये, एंड व्हेन द सिस्टम लैग्स आर हाई, जब सिस्टम लैग बहुत ज्यादा हाई, लैग लीड सिस्टम आपने पढ़नी है तो इसको थोड़ा सा, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो इसमें यह था कि जब सिस्टम का लैग ज्यादा हाई का हो तब भी हम पीडी कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर इज डी। तो पीडी कंट्रोलर जहां जब यूज होता है तीनों केस में होता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज मैक्सिमम ऑफसेट, सबसे ज्यादा ऑफसेट किस कंट्रोलर में होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज द मैक्सिमम ऑफसेट, तो आंसर आपके होंगे एक पी कंट्रोलर में होगा, या पीआई कंट्रोलर में, या पीआईडी में, या पीडी में। तो राइट आंसर इसका होगा सी। तो पीआईडी कंट्रोलर में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफसेट होगा। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, फॉर द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर टेंड्स टू जीरो व्हेन केपी इज, कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल के केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है वो जीरो कब होगी, उस केस में केपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्टेडी स्टेट एरर जो आपको पढ़ाई गई थी उसमें आप जाके फार्मूलाज पर अगर देखोगे, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल केस में क्या होगा कि जब आपका केपी इनफाइनाइट होगा, वन अपॉन केपी, ठीक है ना, जो स्टेडी स्टेट एरर होती है वो होती है वन अपॉन केपी, ठीक है ना, इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वन अपॉन केपी। तो अब ये क्या कह रहा है, जीरो कब होगा, तो जब ये केपी अगर आप इसमें देखोगे कैलकुलेट करके, तो केपी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट हो जाए इस केस में, ठीक है ना। तो वन अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, तो केपी जब इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में स्टेडी स्टेट एरर आपकी जीरो हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ए। तो जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है उसमें स्टेडी स्टेट एरर जीरो तब होगी जब आपका केपी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, इनफाइनिटी, मींस केपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफिनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेरिवेटिव कंट्रोल इज टिपिकली यूज्ड व्हेन कंट्रोलिंग, दे रेयरली यूज्ड व्हेन द कंट्रोलिंग, ये कब यूज होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका टेम्परेचर फ्लो में यूज किया जाता है। जो डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन होता है वो टेम्परेचर एंड फ्लो कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है कि लेवल आ गया, तो लेवल में डेरिवेटिव कंट्रोल यूज नहीं करते। सी ऑप्शन में क्या आ गया आपका, पीएच, तो पीएच में नहीं यूज करते। डी में क्या आ जाता है आपका, लेवल आ गया, तो लेवल में यूज नहीं करते। तो सिर्फ टेम्परेचर और फ्लो केस में ही डेरिवेटिव कंट्रोलर एक्शन यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ए आंसर, ठीक है ना। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स किस सिस्टम के, किस कंट्रोलर का है। ए ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव एक्शन का, डिफरेंशियल एक्शन का। बी ऑप्शन प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल एक्शन, प्रोपोर्शनल एक्शन। डी ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल। तो राइट आंसर होता है इसमें पीआईडी। तो पीआईडी कंट्रोलर होता है पी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल एक्शन जो होता है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। इसमें सबसे जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है सबसे बेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो इस केस में बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ, नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स रिक्वायर्स फॉर द डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीआईडी कंट्रोलर, जो पीआईडी कंट्रोलर होता है उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने की नीड होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज वन। इसमें पीआईडी कंट्रोलर में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं सिर्फ एक ही लगता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज वन। तो सिर्फ पीआईडी कंट्रोलर के केस में जब उसको डिजाइन करेंगे तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने लगेंगे, वन। तो वन इज द राइट आंसर।
व्हेन डेरिवेटिव एक्शन इज इंक्लूडेड इन ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द प्रोपोर्शनल बैंड, एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है उसमें प्रोपोर्शनल बैंड होता है, ठीक है ना, जो कि एक तरह से गेन, जो सिस्टम का गेन होता है उसका उल्टा होता है, वो जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब इसमें डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि डेरिवेटिव एक्शन लगाने से प्रोपोर्शनल केस में प्रोपोर्शनल जब होगा तो वो क्या होगा, वो सिस्टम पे कोई बदलाव नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शनल बैंड पे कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में डेरिवेटिव एक्शन लगाते हैं तो जो उसका प्रोपोर्शनल बैंड होता है वो सेम रहता है, मीन्स रिमेन्स अनचेंज, तो इसमें ना तो घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ सेम रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन इज ए, रिमेन्स अनचेंज, जबकि मीन्स जब डेरिवेटिव एक्शन किसी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पर लगाते हैं तो जो उसका प्रोपोर्शनल बैंड होता है वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ए। प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोल इज एक्सप्रेस्ड, जो प्रोपोर्शनल बैंड होता है किसी प्रोपोर्शनल कंट्रोल का उसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस क्या उसकी यूनिट होती है, उसमें मीन्स परसेंटेज में करते हैं या रेंज ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स में करते हैं या गेन में करते हैं या रेशियो में करते हैं। तो राइट आंसर इज ए, परसेंटेज, तो परसेंटेज में उसको शो करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑफ द प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ द कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड इन द एज परसेंटेज, परसेंटेज इज द राइट आंसर, परसेंटेज इज द राइट आंसर। Which of the following signal is, which of the following is a disadvantage of proportional controller? Proportional controller का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कौन सा है? A option, it destabilizes the system, इस system को unstable बना देता है, unstability को लेके जाता है। It produces offset, इस system में offset produce करता है। It makes response faster, ये काफी fast है। It has very simple implementation, या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, या इसका डिसएडवांटेज है। तो जो इसका डिसएडवांटेज है, ये तीन तो उसके बेनिफिट है। जो नंबर एक क्या करता है कि सिस्टम को थोड़ा सा स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है सिस्टम की, ठीक है ना। जब प्रोपोर्शनल कंट्रोल अप्लाई करते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है, तो ये क्या करता है, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पी आई प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। पी कंट्रोलर का जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि सिस्टम डिस्टेबलाइज जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is the input to a controller? तो किसी भी कंट्रोलर के लिए इनपुट क्या होगा, यह क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, फटाफट चैट बॉक्स में इसका आंसर करो कि which of the following is the input to a controller? कि एक कंट्रोलर के लिए इनपुट क्या होता है, सर्वो सिग्नल होता है, डिजायर्ड वेरिएबल वैल्यू होती है, या फिर एरर सिग्नल होता है, या फिर सेंस सिग्नल होता है। सभी लोग आंसर करो फटाफट अपना, सभी लोग अपना चैट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर क्या होगा, कि कंट्रोलर का इनपुट क्या होता है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही था। ओके ओके, सी एरर सिग्नल। तो इस केस में क्या होता है, एरर सिग्नल इज द इनपुट टू द कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का इनपुट जो होता है वो एरर सिग्नल होता है, ठीक है। नाउ ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए सिस्टम, ऑन ऑफ कंट्रोलर कैसा सिस्टम है, वो डिजिटल सिस्टम है या लीनियर है या नॉन लीनियर है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जो ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है वो एक नॉन लीनियर होता है, उसमें ऑन ऑफ चलता रहता है इनपुट का, तो दैट इज ए नॉन लीनियर सिस्टम। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए नॉन लीनियर सिस्टम, तो सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, सी इज द राइट ऑप्शन। एक कंट्रोलर इज बेसिकली, ये जो कंट्रोल होता है बेसिकली होता क्या है, वो क्या वो एक सेंसर होता है, क्या वो एक कंप्यूटर होता है, क्या वो एक एम्पलीफायर होता है, क्या वो एक क्लिपर होता है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा बेस्ट उसका आंसर होगा, ओके। जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, एक सेंसर होता है, एक कंप्यूटर होता है, एम्पलीफायर, एक क्लिपर। तो राइट आंसर इज कंप्यूटर। तो कंट्रोलर क्या होता है, वो कंपेयर कर करके उसके एरर को कम करता है सिस्टम में, ठीक है ना। तो सिस्टम में उसकी जो एरर्स होती है उसको कम करता है, तो वो कंप्यूटर मतलब वो एज ए कंप्यूटर काम करता है। कंट्रोलर इज बेसिकली ए कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शनल गैंड, प्रोपोर्शनल बैंड, जो प्रोपोर्शनल बैंड होता है आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, उसका प्रोपोर्शनल बैंड का जो रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा क्या होता है, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर आपके याद हो। क्या वो ऑप्शन रिसेट होता है, क्या वो परसेंट होता है, क्या वो मिनट पर रिपीट होता है, या फिर वो गेन होता है। तो प्रोपोर्शनल बैंड का जो उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, गेन। गेन इज द राइट आंसर, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, गेन इज द राइट आंसर। ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए पी आई डी कंट्रोलर इज, अगर उस केस में एटा आई इज द इंटीग्रल रिसेट टाइम एंड पीटा डी इज द डेरिवेटिव टाइम, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है हल्का सा, इसका आंसर बताइए प्रॉपर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है ना, बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें केस में क्या होगा, देखो आप देखिए, केस में
कॉमन, एक तरह से कॉमन ले लिया हमने, केपी के सब कॉमन ले लिया, उसमें आपने ईटा एक फैक्टर ले लिया, यहाँ पे ईटा डी हो गया। तो ईटा आई ये देखिए यहाँ पे ये अपोन में आ गया है या इंटू में आ गया है, तो आई के साथ अपोन में रहना चाहिए, उसके साथ इंटू में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच द राइट आंसर, ठीक है ना। किसी भी थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन हल्का सा, पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा देखना है कि प्रोपोर्शनल केस में तो होता है, हमें जहाँ पता ही है आई के केस में वन अपोन एस होता है, डी के केस में इंटू एस होता है, तो डी केस में इंटू एस और आई केस में अपोन एस, और ये कॉन्स्टेंट, तो ये राइट आंसर बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी फॉर बोथ। नाउ अब हम ये तो हमारा अभी तक कंट्रोलर का, अब हम जो स्टार्ट होगा वो सारे कुछ क्वेश्चन आगे दिए गए हैं स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी नोशंस कंसर्न विद, ये बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड इनपुट क्या क्या शो करता है। द ऑप्शन इज ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट एंड ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट। तो करेक्ट आंसर इज ए, कि जो आउटपुट सिस्टम होता है वो ए इनपुट से प्रभावित होता है, ठीक है ना, उसके इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी बोलते हैं, तो क्या होता है कि सिस्टम में इनपुट दिया जाएगा तो ही सिस्टम में कुछ आउटपुट आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनपुट, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ठीक है ना। इसके आप आंसर कीजिए, पीडीएफ से क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग सब लोग आंसर लिखते रहिए अपना। इफ ए सिस्टम इज गिवन अनबाउंडेड इनपुट व्हेन द सिस्टम इज, देन द सिस्टम इज, अगर सिस्टम में कोई अनबाउंडेड इनपुट देते हैं तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, नॉट डिफाइंड या लीनियर होगा। सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज, सभी लोग आंसर कीजिए कि सिस्टम में जब आपका अनबाउंडेड इनपुट होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या नॉट डिफाइंड या लीनियर, तो सिस्टम होगा नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। तो ये आपके पीडीएफ से क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इनके आंसर करते रहिए, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड, इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंट्रिगेबल then the system is, उस केस में सिस्टम क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर या स्टेबल। ओके वेरी गुड, सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज, सभी लोग आंसर कीजिए, एक बच्चा आंसर कर रहा है बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ए, एब्सोल्यूट स्टेबल, ठीक है ना। ये आपकी पीडीएफ से ही है कि जब सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होगा तो वो सिस्टम क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। ओके सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज, सभी लोग। रूट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का रूट होते हैं उसका उनसे सिस्टम के स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये सच है या झूठ है, डाउट लिखो ए या बी। ओके दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि सिस्टम का स्टेबिलिटी सीधे सीधे उसके रूट्स पर ही डिपेंड करती है, और इसमें कहा गया है कि रूट्स का लेना देना नहीं है, नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, बट ये फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके राइट आंसर इज क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। रूट विद हायर मल्टीप्लिसिटी ऑन इमेजिनरी एक्सिस मेक्स द सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर, स्टेबल। जल्दी से आंसर लिखो उसका। राइट आंसर इज बी। ओके सिस्टम इज अनस्टेबल, कि जब इमेजिनरी एक्सिस पे फोर्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर सिस्टम किसी सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पर हैं तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है या फिर लीनियर है। तो राइट आंसर इज, प्रॉपर लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, राइट आंसर इज वेरी गुड मार्जिनल स्टेबल, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ है तो मैंने, अब प्लीज आंसर कीजिए इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ द रूट ऑफ हैव नेगेटिव रियल पार्ट, किसी सिस्टम का रूट नेगेटिव रियल पार्ट है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल या फिर बाउंडेड। जल्दी से लिखो आंसर, अगर नेगेटिव रियल पार्ट आपका जो होता है सिस्टम का, सिस्टम क्या होगा हमारा, नेगेटिव रियल पार्ट अगर है, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है, इन दैट केस सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है ना। तो
क्या होगा, वो इधर चला जाएगा उल्टी साइड में, ठीक है ना। सिस्टम इज स्टेबल इज द राइट आंसर। ओके, जब किसी सिस्टम का रियल पार्ट निगेटिव हो जाएगा उसके रूट का, तो उसका पोल्स क्या होगा, वो राइट लेफ्ट हाफ में रहेगा, ठीक है ना, राइट हाफ में नहीं आएगा। तो राइट हाफ में आते ही क्या है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसका नेगेटिव रियल पार्ट है तो भी इसी बात, नेगेटिव साइड में जाएगा तो वो लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में आने से सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो इन दैट केस सिस्टम इज स्टेबल, तो इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। कि अगर किसी सिस्टम का नेगेटिव रियल पार्ट नेगेटिव है तो वो सिस्टम क्या है, स्टेबल अनस्टेबल या वो माइनस स्टेबल, तो सिस्टम इज स्टेबल। ए लीनियर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, वो कोई भी सिस्टम को किस तरह से रेफर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबल कह सकते हैं, ट्रांजिशनली स्टेबल कह सकते हैं, या अनस्टेबल कह सकते हैं, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ये मींस एक लीनियर सिस्टम को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कि एब्सोल्यूट स्टेबल है, कंडीशनली स्टेबल जिसको माइनस स्टेबल बोल सकते हैं, या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज, ऑल ऑफ द मेंशन इज राइट आंसर। डैश इज ए क्वांटिटी मेजर ऑफ हाउ फास्ट द ट्रांजिएंट डाई आउट इन द सिस्टम, कि जो सिस्टम हमारा होता है उसका आउटपुट कितना, उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कितना फास्ट खत्म हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज एब्सोल्युटली स्टेबल, दैट इज कंडीशनली स्टेबल, दैट इज अनस्टेबल, दैट इज रिलेटिवली स्टेबल। तो राइट आंसर इज रिलेटिव। तो क्या होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं कि हाउ फास्ट द सिस्टम इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज डाइंग, ठीक है ना, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम का खत्म हो रहा है, कितना फास्ट खत्म हो रहा है, दैट इज सो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। अगर किसी राउथ टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम है, उसके जो एलिमेंट्स है वो ये हैं, 3, 5, -3/4, 1/2, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने भाई, कितने साइन चेंज हुए इसमें, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस से माइनस, भाई माइनस से प्लस, दो बार साइन चेंज हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कम से कम दो रूट आपके किधर एग्जिस्ट कर गए, राइट हाफ में, ठीक है ना, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज वन रूट इन द लेफ्ट, नो, आर टू लेफ्ट इन द राइट, ओके, टू, ये राइट आंसर इज टू रूट। देखो लेफ्ट में तो कोई डिफाइन ही नहीं है, भाई बचे हुए लेफ्ट में चले जाएंगे। जो राइट में जाने की हम बार बार बात करते हैं इस रॉक टेबल में, कि जो नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं उतने रूट आपके राइट, जो आपका एक्सप्लेन है उसके राइट में होते हैं। तो राइट आंसर इज सी, कि जो इसके टू रूट्स हैं वो आपके हाफ एक्सप्लेन के राइट हाफ में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो सी इज द राइट आंसर। राउथ हर्बिट्स क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम कंटेन्स एनी कोएफिशिएंट, कि जो राउथ क्राइटेरिया होता है, आपको इसकी क्वालिटी बताई थी मैंने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, नुकसान भी बताए थे, उस समय पॉइंट डिस्कस किया था कि उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कि वो किस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। ए ऑप्शन, कि जब उसके कोफिशियंट कैरेक्टरिस्टिक, जो इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका जो कोफिशियंट होते हैं नेगेटिव रियल या एक्सपोनेंशियल हो, ओके। बी ऑप्शन है आपका नेगेटिव रियल, बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइनसोइडल, बोथ एक्सपोनेंशियल साइनसोइडल कॉम्प्लेक्स, एक्सपोनेंशियल एंड साइनसोइडल, मींस बी ऑप्शन इज द राइट, मींस जब आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल भी होगा साइनसोइडल भी होगा। देखो नेगेटिव रियल पार्ट में अप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव रियल पार्ट में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये करेक्ट मोस्ट करेक्ट आंसर इज द, जब कॉम्प्लेक्स है या फिर एक्सपोनेंशियल साइनसोइडल, उसका कोएफिशिएंट उसका जो कोएफिशिएंट होगा, तब उस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर इज डी, ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राउथ हर्बिट्स क्या देता है, ए एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, बी नंबर्स ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन, सी गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। तो हम जानते हैं कि गेन मार्जिन फेस मार्जिन कुछ नहीं देता, सिर्फ हमें एक तो स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी बताता है कि नहीं सिस्टम, और दूसरा बताता है कि रूट कितने स्प्लेन के राइट हाफ में है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो देखते हैं इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो वन एंड टू आर द करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें जो तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों में पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, वन एंड टू। ओके, नाउ एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी इज कंसर्न विद ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द इनपुट, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटपुट इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आंसर बाद में कीजिएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, जब लास्ट में आके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मैथमेटिकल मॉडल अप्लाइज
जो लीनियर मैथमेटिकल मॉडल होता है वो किस पर अप्लाई होता है? लीनियर सिस्टम पे होता है, स्टेबल पे होता है, अनस्टेबल पे होता है, नॉन लीनियर पे होता है, तो वो हमेशा किस पर अप्लाई होता है? स्टेबल सिस्टम पे अप्लाई होता है। जो लीनियर मैथमेटिकल मॉडल होता है वो स्टेबल सिस्टम पे अप्लाई होता है। तो स्टेबल सिस्टम मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ, कि कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब सिस्टम इज एक्साइटेड बाय द बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। ठीक है ना, जो इनपुट भी बाउंडेड हो, आउटपुट बाउंडेड हो। ओके, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट टेंड्स टू जीरो, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? सी, बोथ ए एंड बी। डी देख लेते हैं एक बार, सिस्टम इज एक्साइटेड बट बाय द बाउंडेड इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट बाउंडेड, तो इट इज नॉट करेक्ट। डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए बी बी बी, तो सी जो सी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, तो दोनों करेक्ट है। तो बी राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड्स। मैंने लगभग 26-27 क्वेश्चन आपको कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। आप इनको देखिए, समझिए अच्छे से, और इसमें कोई डाउट हो आप प्लीज पूछिए बाद में। ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी और पीआईडी कंट्रोल पे मोस्टली पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने डाले हैं इस लेक्चर में। बाकी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।